उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से एक बड़ी हृदय विदारक खबर सामने आ रही है, जहां गंगा नदी में नहाने के दौरान एलआईयू में तैनात एक आरक्षी डूबकर लापता हो गया था, जिसकी तलाश के लिए लगातार सर्च अभियान जारी था। वहीं आज मंगलवार को सिपाही त्रिपन सिंह नेगी का शव बरामद कर लिया गया है। दिवाली से पहले ही इस हृदय विदारक घटना से जवान के परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार मूल रूप से देहरादून जिले के जौनसार बावर के कालसी क्षेत्र के रहने वाले त्रिपन सिंह नेगी एलआईयू स्थानीय खुफिया विभाग में सिपाही के पद पर तैनात थे, जो इन दिनों हरिद्वार जिले के मायापुर क्षेत्र के एलआईयू कार्यालय में तैनात थे। दरअसल बीते सोमवार को त्रिपन नेगी दोपहर में अपने परिचित के साथ कनखल के बैरागी कैंप में ठोकर नंबर 10 पर पहुंचे, जहां पर वह स्नान करने लगे, लेकिन अचानक से पानी के तेज बहाव की चपेट में आने से डूबकर लापता हो गए। इस घटना को घटित होता देख उनका अन्य साथी घबरा गया, जिसने तुरंत विभाग में इस घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही एलआईयू इंस्पेक्टर नीरज यादव, कनखल थाना अध्यक्ष मनोज नौटियाल टीम के साथ मौके पर घटनास्थल पर पहुंचे। इस दौरान सर्च अभियान के लिए जल पुलिस की टीमें बुलाई गई, लेकिन कल शाम भी लंबे सर्च अभियान के बाद भी उनका कुछ पता नहीं चल सका, जिसके चलते आज मंगलवार को भी लगातार सर्च अभियान जारी रहा, जिसके बाद आज दोपहर में उनका शव गंगा नदी से बरामद कर लिया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस को नदी के किनारे से कांस्टेबल के कपड़े और मोबाइल भी बरामद हुआ था। बताते चलें कि त्रिपन सिंह नेगी 3 बच्चों के पिता थे। इस घटना के बाद से जहां महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है, वहीं दिवाली पर्व से पूर्व ही त्रिपन नेगी के परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।